नभारा टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नभारा टुडे, ये हमारा न्यूज रूम लाइव। मैं हूं आपके साथ कासिर खान। बात करेंगे चुनावों की। चुनाव थे आज दो जगह पर, राजस्थान और तेलंगाना। राजस्थान में जहां 72% वोटिंग हुई है, उसके साथ साथ तेलंगाना के अभी वोटिंग प्रतिशत आए नहीं है। बात करते हैं हम एग्जिट पोल की। एग्जिट पोल जो इस समय आ रहे हैं, सब सारे राज्यों से, पांचों राज्यों से जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर बात करें सारे एग्जिट पोल की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है। कांग्रेस के लिए क्या है वो खुशखबरी, इसके ऊपर हम पूरी चर्चा करेंगे। बात करते हैं अपने सहयोगियों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं सत्यम जी। सत्यम, क्या है एग्जिट पोल, किस तरीके से आ रहा है और किस तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस को एक खुशखबरी कांग्रेस के लिए आ रही है, क्योंकि हर जगह से कांग्रेस बढ़ती हुई आगे नजर आ रही है। जी, जिस तरीके से पूरा चुनाव हो रहा था, इसको सेमीफाइनल देखा जा रहा था 2019 का, तो जो राजस्थान था वहाँ पे जो राजनीतिक विशेषज्ञों का अनुमान था कि कांग्रेस पार्टी ही आगे आएगी, वो नहीं, वो हमको चौंकाने वाला नहीं लग रहा है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं आंकड़े, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ज़्यादा दृढ़ निश्चय के साथ उतरी थी कि वो तो जीत ही जाएंगे, और वहाँ पे भी कांग्रेस सारे एग्जिट पोलों में आगे चल रही है और कुछ में बराबरी का टक्कर दे रही है। तो ये बहुत ही परेशान करने वाली बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और यही चीज़ कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, लीडिंग फेस हुए हैं बीजेपी का, तब से उन्हें सिर्फ हार का सामना करना पड़ रहा है। तो उस लिए ये बहुत ही अच्छी बात, खुशखबरी होगी कांग्रेस के लिए। जी बिल्कुल, खुशखबरी है कांग्रेस के लिए, बड़ी खुशखबरी है, सब जगह से जीती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो प्रियंका से बात करते हैं। प्रियंका, जिस तरीके से हर जगह से कांग्रेस आ रही है नजर, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के लिए सत्यम ने बात करी, मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी का गढ़ माना जाता है, पिछले 15 सालों से वो अपनी सत्ता वहां पर बनाए रखेंगे, इस बार वहां कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या बीजेपी 15 सालों की जो उनकी गलतियां थी, क्या वो फेल हो गई सरकार उनकी? देखिए, अगर बात की जाए शिवराज सरकार की, तो काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे बीजेपी की सत्ता पे वो काबिज हैं, लेकिन किसी ने भी ये सोचा नहीं होगा कि कांग्रेस अपनी सरकार, कांग्रेस अपना गढ़ बनाएगी मध्य प्रदेश में। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है, क्योंकि बहुत ही ज़ोरों शोरों से प्रचार किया गया, कहीं ना कहीं शिवराज जी को भी यही लग रहा होगा और बाकी की पूरी बीजेपी को यही लग रहा होगा कि हम मध्य प्रदेश में तो अपनी सरकार बनाकर ही रखेंगे। लेकिन ये जो आंकड़े आए हैं चौंकाने वाले, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जैसे कांग्रेस, अगर आप देखें एमपी में, राजस्थान में, और साथ ही साथ अभी छत्तीसगढ़ के भी आ गए हैं, तो अगर इन तीनों में देखें तो साफ साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस ने अपना पूरा बल प्रयोग इसमें लगाया था, अपनी पूरी जान झोंक दी थी, जिसके नतीजे आज इस रूप में आए। बिल्कुल, नतीजे देखने को मिल रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस हर प्रदेश में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और जहां नहीं बढ़ी है वहां टक्कर दे रही है सीधा सीधा बीजेपी को। ये बड़ी खुशखबरी आ रही है कांग्रेस के लिए। दायित्व से बात करते हैं, दायित्व मध्य प्रदेश की बात होगी, छत्तीसगढ़ की बात करें तो क्या है छत्तीसगढ़ से इस टाइम एग्जिट पोल? छत्तीसगढ़ में यही है सर कि बीजेपी जो है और कांग्रेस जो है, कांग्रेस अभी आगे चल रही है हालांकि, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। अभी ये एग्जिट पोल है, हम थोड़ा वेट कर सकते हैं रिजल्ट्स का, रिजल्ट आने पे ही पता चलेगा कि कौन सी गवर्नमेंट में। बिल्कुल, रिजल्ट आने में पता चलेगा। सुजीत से बात करते हैं। सुजीत, राजस्थान में कौन अपना किला मजबूत बना रहा है, किस तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस आगे बढ़ रही है, सीधा सीधा वसुंधरा राजे के किले पे एक तरीके से हमला करा है कांग्रेस ने? जी बिल्कुल, राजस्थान में अभी कांग्रेस आगे बढ़ रही है। कहा यह जा रहा है कि ये 2019 का ट्रेलर हो सकता है, मगर वो तो जब रिजल्ट सामने आएंगे, जब ये पता चलेगा कि आखिरकार कौन सी वो पार्टी है जिसने वहाँ पे जो सीट है उस पर उसने अपना हक जमाया है। मगर अभी अगर हम जो एग्जिट पोल की बात करें तो उसमें अभी तो कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी को मुँह की खानी पड़ रही है। बिल्कुल, बीजेपी को मुँह की खानी पड़ रही है। हम सब लोग एग्जिट पोल के जरिए से देख रहे हैं, हर तरीके से जहाँ दिखाई दे रहा है कि एग्जिट पोल बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। से बात करते हैं सत्यम, क्या ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी ने गलती हुई है जिसकी वजह से बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है सारे राज्यों में? जो एक तरीके से बंटवारे की राजनीति और जिस तरीके से विपक्ष ने मोर्चा संभाला इन मुद्दों को लेके, वो और बहुत ही अच्छा था। और राहुल गांधी के जो तेवर थे इस चुनाव में, वो बदले बदले से नजर आए, क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी हिंदू राष्ट्रवाद को नहीं प्रमोट करती थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मंदिरों की यात्रा की और बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान के, वो सारी चीज़ों का मुझे लगता है बीजेपी को फ़ायदा मिला है। लेकिन इस पूरे एग्जिट पोल में दलित वोट बैंक देखने लायक होगा, क्योंकि सारी जगहों पे लगभग बीएसपी को 2 सीटें 5 सीटें मिल रही हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। तो ये वोट प्रतिशत, वोटों की कैलकुलेट करने पर ये निर्धारित किया जा रहा है 2 सीटें। जब रिजल्ट आता है तो क्या होता है कि ये बढ़ जाती हैं सीटें और बीएसपी को कोई सीट नहीं मिलती, तो ये निर्णायक वोट बैंक है, जो कि अभी एग्जिट पोल और रिजल्ट में अंतर जो आता है वो इन्हीं वोट बैंक से आता है। बिल्कुल, इन्हीं वोट बैंक से आता है। प्रियंका, क्या क्या चीज़ें थी आप बताइए,
वो जिसकी वजह से बीजेपी को मुंह की खानी पड़ रही है। साथ साथ क्या उसमें जीएसटी और नोटबंदी को लेकर भी लोगों में हताश थे लोग, जिसकी वजह से जी देखिए मध्य प्रदेश में जितने नक्सली हमले हुए, चाहे कितना भी क्राइम देखा जाए, चाहे रेप कांड देखा जाए, तो इन दिनों और कुछ बीते कुछ सालों में कुछ ज़्यादा ही क्राइम बढ़ गया है। जबकि हम हमेशा बोलते थे कि उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको क्राइम देखने को मिलेगा, लेकिन अब उन्हीं का हाल सीधा सीधा छत्तीसगढ़ और MP में भी देखा जा रहा था, जिस वजह से शायद लोगों को भी लगा कि शायद सरकार अब नहीं कर पाएगी, तो उनके लिए ये समय था कि अब बहुत हो गया बीजेपी का राज, अब देख दिया जाए कांग्रेस को अपना समर्थन। तो मेरे ख्याल से ये ही सोचकर लोगों ने मतलब अपना मत कांग्रेस को दिया होगा। साथ ही साथ अगर राजस्थान की बात की जाए तो वसुंधरा जी ने काफ़ी समय से रोजगार को लेकर बहुत ही ज़्यादा बोला था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उन्होंने इतने सारे जुमले दिए थे, चुनावी जुमले, लेकिन वो उन पर खरी नहीं उतर पाई। तो साथ ही साथ ये सारी जितने मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर शायद जनता इस बार ज़्यादा जागरूक हो गई और इसीलिए शायद उन्होंने बोला कि अब हो गया बीजेपी का राज, अब ख़त्म करते हैं इसको, क्योंकि इनको जितना मौका दिया उन्होंने शायद उसमें कुछ भी नहीं कर पाई, जिसकी वजह से आज उनको ये दिन देखना पड़ा। बिल्कुल ये दिन देखना पड़ा, बीजेपी का राज कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। सत्यम से बात करते हैं। सत्यम, 2019 के लिए आपने कहा ये सेमीफाइनल था, ये सब मानते हैं कि सेमीफाइनल था 2019 के लिए, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी हमेशा हर राज्य में जीत रही थी, तो सबका क्रेडिट जो था वो क्रेडिट जाता था मोदी को, मोदी एक लहर के नाम दे दिया गया था। जो अगर ये हार हो जाती है तो क्या इसका हार का ठीक रहा मोदी के सर पर फूटेगा? जी निश्चित तौर पर फूटेगा, क्योंकि अभी तक जहाँ पे जितने भी जगह पे चुनाव लड़े गए हैं फेस सिर्फ मोदी का ही रहा, नरेंद्र मोदी जी का ही फेस रहा है। अगर मध्य प्रदेश को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि वहाँ पे पुनः शिवराज सिंह चौहान के ही चेहरे के द्वारा चुनाव लड़ा गया था, लेकिन बाकी की राज्यों में वसुंधरा राजे ने जिस तरीके से 5 साल राज किया उस हिसाब से तो ये निश्चित तौर पे ये मोदी वर्सेस कांग्रेस हो गया था वहाँ पे राजस्थान में, क्योंकि वसुंधरा राजे के प्रशंसक थे ही नहीं, उनको बहुत ही बुरा कार्यकाल माना जा रहा था इस बार वाला। तो अगर ये इन जो एग्जिट पोल के अनुसार ही अगर परिणाम आता है तो ये निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी की ही हार होगी। बिल्कुल नरेंद्र मोदी की हार होगी। बिल्कुल बदले बदले से आसार नज़र आते हैं, बदले बदले से देश के हालात नज़र आते हैं, और हालात नज़र आते हैं चुनावों के जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहा है, कहीं ना कहीं बुरी खबर आ रही है बीजेपी के लिए और अच्छी खबर आ रही है कांग्रेस के लिए। क्या कांग्रेस की अच्छी खबर और खुशियां हमेशा उनके लिए आगे भी बनी रहेंगी, आगे परिणाम के 11 दिसंबर को जो भी नतीजे आएंगे उसके लिए आप लोग को लगातार देखना होगा नवभारत टुडे, आप लोग लगातार देखते रहिए नवभारत टुडे। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।